हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइन टेक बीआर के में। दोस्तों आज की वीडियो में हमें अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अमेज़ॉन एफिलिएट को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सिंपल बाय अपने मोबाइल से किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को आप सेल करवा सकते हो, जिसमें मोबाइल हो सकते हैं, लैपटॉप, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हमारे मीशो 101 पे नहीं मिलते, ऐसे आइटम वो आप सेल करवा सकते हो। या फिर आप खुद भी अपने लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप अपनी उसकी लिंक निकाल के उससे खरीदेंगे तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा, बाय 10 से 15% तक कमीशन आपको अमेज़ॉन एफिलिएट से मिल जाता है। और आप अपनी उस लिंक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आगे वीडियो में और बताता रहूँगा, ठीक है। वीडियो भी इसके ऊपर बनाता रहूँगा और काफ़ी अच्छा तरीका भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने एक लिंक दी है जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, उस पर क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरीके से अपने क्रोम में चले जाओगे। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद लिंक कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू। तो मोबाइल में किस तरीके से ये होगा, तो यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 लाइन में क्रोम में करना होगा और इसको आपको दूसरे ब्राउज़र में नहीं खोलना होगा, आपको सिर्फ क्रोम में ही खोलना होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे कर देता हूँ सिंपली मैं क्लिक, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद अभी ये जो है कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह हमारे सामने दिखाई दे देगा। तो अभी मैंने मोबाइल को ऐसे घुमा दिया और यहाँ पर अभी एक लॉगिन का ऑप्शन है और एक यहाँ पे, तो यहाँ पर ज्वाइन नाउ फ्री पे सिंपली कर देना आपको एक बार क्लिक, ठीक है। तो मैं सिंपली इस पर कर देता हूँ एक बार क्लिक और यहाँ पर आप इसका जो ज्वाइन है उसका खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, ये मेरा पहले से है तो इसलिए ये बता रहा है, लेकिन आपको जैसे आप खोलेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट पे कर देना सिंपली आपको एक बार क्लिक, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आपका अकाउंट कोई ऐड नहीं है तो यहाँ पे अकाउंट ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरा अकाउंट है वो ऐड है, तो मैं इस पर सिंपली कर देता हूँ एक बार क्लिक। तो आप यहाँ से एक अकाउंट पे अपने क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इसका रजिस्ट्रेशन का होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए और लॉग इन पर कर दीजिए सिंपली एक बार क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका अमेज़ॉन एफिलिएट में रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म होता है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से सब होगा। तो यहाँ पर अभी ये जो क्रिएट योर अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम देना है आपको अपना, ठीक है, पे नाम, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा नाम ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैंने अपना नाम डाल दिया और यहाँ पर नीचे एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। एड्रेस सेकेंड लाइन में भी आप अपना ही एड्रेस डालिए और यहाँ पर भी आप कुछ डाल दीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, अपना जो भी एड्रेस है वही डालना है आपको। और यहाँ पे सिटी आप जो भी आपका जो भी है यहाँ पे, और पोस्टल कोड की जगह आपको अपनी सिटी का पिन कोड डाल देना है और यहाँ पे कंट्री इंडिया पहले से ही रहेगी और मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हु इज़ द मैन कंटेंट फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाला ही रखना है और इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप नो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपली इस पर कर देना है एक बार क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये अगले पेज पे चला जाएगा, ठीक है, आपको लेकर। तो यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा एड्रेस में अगर कोई मिसिंग होगा तो आपको बता देगा कि आपका ये एड्रेस रखना चाहते हो या कौन सा रखना चाहते हो, तो जो भी है आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट सजेस्ट एड्रेस रख देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत आपको आने वाली नहीं। अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट मेरा अकाउंट है वो हो गया है, अभी मैं सेकेंड वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप के बारे में यहाँ पर क्या है इसमें थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपकी यूट्यूब की या तो आप जहाँ पर आप प्रोडक्ट इसके सेल करना चाहते हो उसकी लिंक डाल सकते हो, और अगर ऐसा कोई भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप उसकी लिंक डाल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल है अगर तो यूट्यूब चैनल के यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं तो आप अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम की भी लिंक निकाल के अपनी जो इंस्टाग्राम की वो है लिंक उसको डाल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ पर डाल रहा हूँ, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो भी आप डाल सकते हो ब्लॉग स्पॉट से बना के। तो मैं यहाँ पर ऐड पे कर देता हूँ सिंपली एक बार क्लिक, और यहाँ पर ये हमारी लिंक है इंस्टाग्राम की जुड़ गई है, और इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पे कर देना है एक बार सिंपली क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो अगले पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने स्टोर का नाम डालना है, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप अपने स्टोर का, ठीक है, अपनी पसंद के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंडिया फैशन लिख दिया, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इंडिया फैशन लिख दिया मैंने। और यहाँ पे स्पेस नहीं रखना है आपको बीच में, ठीक है, तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो भी वेबसाइट का आप डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अपने जो भी आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसके बारे में लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टैक VI
या फिर यहाँ पर रीसेलिंग के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है, रीसेलिंग, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये इतना आपको यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, ठीक है, एक्स वाई जेड आप जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे अभी आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चूज़ करना है जो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी। तो आपको यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि एक ही कैटेगरी चूज की, यहाँ पे उधर का ऑप्शन है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे नीचे जाना है, यहाँ पे एक उधर का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको इस पर कर देना है एक बार क्लिक, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे और एक सेकंड कैटेगरी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा टॉपिक, तो वहाँ पर भी आपको वही करना है, उधर का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आप किस टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे क्लोथ टॉय वगैरह, ये इस तरीके जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी आप जितने भी सर सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए और मैंने लिखा हुआ व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, आपका व्हाट्सअप और मोबाइल जो एप्लीकेशन है ये किस टाइप की है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बताना है। तो ठीक है, यहाँ पे भी आप अपने बारे में बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप उधर पे क्लिक कर दीजिए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद और सेकेंड टाइप भी आपको सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पर भी आप उधर सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, अदर। तो अदर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना ट्रैफिक जो है वो किस तरीके से लाएंगे, ठीक है। इस पर तो यहाँ पे डिस्प्ले एड एडवर्टाइजमेंट एक सेलेक्ट कर दीजिए, सोशल नेटवर्क सेलेक्ट कर दीजिए और SEO भी कर दीजिए, ब्लॉग्स भी कर दीजिए, और यहाँ पे आप थोड़े बहुत जो भी आपको अच्छे लगे वो कर दीजिए, ठीक है। शॉपिंग पॉटलर वगैरह ये सब हो गई, ठीक है, और पेड रिसर्च कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कुछ मिला के। तो यहाँ पे अभी हाउ डू यू एंड तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पे एक सेलेक्ट प्राइमरी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन एंड रिटेल, यहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे सेकंड कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड कैटेगरी में ई कॉमर्स यही वापस ये सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अदर का आप ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा और नीचे आना है, नीचे यहाँ पर और आपकी अभी यहाँ पे बताना है कि आप इसके माध्यम से कितना ट्रैफिक ला दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे विजिटर कितने ला दोगे आप प्रति महीना, तो यहाँ से आप लगा सकते हो 5,000 से 50,000 के बीच में, या फिर आप कम भी लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा, जितना आपका विजिटर होता है आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ पे आप अदर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे इस पर भी आप कुछ अपने हिसाब से ऑनलाइन सर्च या फिर कुछ और भी यहाँ पे जैसे ट्रैफिक सोर्स दिए हुए हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद ये कैप्सा है, इस कैप्सा को फिल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से कैप्सा बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल मैं बदल देता हूँ इस कैप्सा को। और उस कैप्सा को यहाँ पे आपको सही सही फिल करना है। D27E, तो यहाँ पे कैप्सा को फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको वापस मैं कर देता हूँ छोटा, और यहाँ पे फिनिश पे कर देना है आपको एक बार क्लिक, ठीक है। तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी अकाउंट है वो ठीक रेडी हो जाएगा, लेकिन कैप्सा हमारा गलत है तो हम वापस डालते हैं इस कैप्सा को MMPY। तो अभी हमें कैप्चा वापस डाला है और यहाँ पे अभी फिनिश पे कर देते हैं सिंपली एक बार क्लिक, ठीक है। तो कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो अकाउंट है वो बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा अकाउंट बनके तैयार हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया फैशन माइनस का निशान है और 21 ये हमारी है ID है, ठीक है, हमारे अकाउंट की, ठीक हो, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लिख भी सकते हो कहीं पर आप चाहो तो इस ID को, और अगर लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ से कहीं पर अपने पास सेव रख सकते हो, क्योंकि ID आपके काम आएगी। इसी ID से आपका पेमेंट है वो सब कुछ रिलीज होगा, तो इसी ID से आपका जितना भी कुछ होगा वो सब कुछ इसी से होगा। तो अभी इसको आप सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एंट्री और पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करके अपनी
जो इन्फॉर्मेशन होती है बैंक की वो यहाँ पे दे सकते हो तुम्हें। तो अभी हमारा जो साइन अप है वो हो चुका है और हम फर्स्ट इंटरफेस में आ गए। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन नोटिस है ये हमारे बैंक अकाउंट की है कि आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डाल सकते हो। जब 1000 पेमेंट हो जाए तब भी आप डाल सकते हो, उससे पहले भी डाल सकते हो, ऐसा कोई है नहीं। तो यहाँ पे ये अमेजोन का है, इस पर आप विश्वास तो कर ही सकते हो, ऐसा कोई है नहीं इस पर। अभी यहाँ पे आप किस तरीके से प्रोडक्ट हैं वो बेच पाओगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली होम पे कर देता हूँ एक बार क्लिक, ठीक है, इसके होम पे। तो जैसे ही मैंने होम पे यहाँ पे क्लिक किया है तो अभी मैं थोड़ा नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना है और किस तरीके से आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड है, यहाँ पे आप सर्च करने का ऑप्शन है। अब जो भी आप प्रोडक्ट अमेज़ॉन से बेचना चाहते हो, जैसे नया मोबाइल कोई लॉन्च हो रहा है, ठीक है, रियलमी का, हाँ, यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो नाम मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से सर्च करना है और क्या क्या रहेगा, ठीक है, क्राइटेरिया। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और यहाँ पे आगे एक सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला गो पे, इस पर सिंपली कर देता हूँ मैं एक बार क्लिक। और यहाँ पे इसकी थोड़ी स्क्रीन है वो मैं छोटी कर देता हूँ मोबाइल की और आपको दिखा देता हूँ कि रियलमी 5 का जो मोबाइल है वो यहाँ पे दिखा देगा और उसको किस तरीके से आपको सेल करने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं जो भी मोबाइल है सारे, तो यहाँ पे आपको वो वाला जो आपका कोई भी फ्रेंड अगर लेना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे दिखा सकते हो और उसके हिसाब से यहाँ पे निकाल के, यहाँ पे एक गैर लिंक के पास में एक एरो दिखाई दे रहा होगा, उस पर सिंपली आपको कर देना है एक बार क्लिक, ठीक है, एरो पे। तो एरो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसकी जो लिंक होगी वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन एक बात देखने लायक है यहाँ पे कि ये बहुत बड़ी लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर एक शॉर्टनर URL विथ amazon.to, ठीक है, इस पर आप सिंपली एक बार क्लिक कर देना और ये लिंक छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी होने के बाद आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो कि इससे आप प्रोडक्ट खरीदिए, उनको वही प्राइस पड़ेगी जो यहाँ पे इसकी दी हुई है वही रहेगी, 8,999 रुपये, लेकिन आपको इसमें अपना 15% कमीशन है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अमेज़ॉन से काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ इसको स्किप और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो मैं वापस होम पे क्लिक कर देता हूँ एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि आपके क्लिक कितने लोगों ने आपकी लिंक पे क्लिक किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपल सब कुछ स्टेप बताऊँगा तो थोड़ा और कल और वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आपके टोटल क्लिक आएंगे उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, क्लिक, और यहाँ पे टोटल कितना आपका पैसा बनता है वो भी, और किस लिंक पे क्लिक किया है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी ये समरी फॉर दिस मंथ की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जब अगले वीडियो अमेज़ॉन ऐप इसी एसोसिएट प्रोग्राम पर आए तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यही है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केट प्रोग्राम, एफिलिएट प्रोग्राम, इसके थ्रू आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं खुद भी इसके थ्रू काफ़ी अच्छी इनकम करता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं लिंक निकाल के सीधी अपने होती है इंस्टाग्राम के वेबसाइट में वहाँ पर डाल देता हूँ और वहाँ से ऐसे खासे मुझे ऑर्डर भी आते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।